मंच में हमारे साथ भारत सरकार की शिक्षा राज्य मंत्री और आपके इस लोकसभा के लोकप्रिय नेत्री आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद राज्य सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी, हमारे गांडी के हमारे आदरणीय प्रत्याशी वर्मा जी, मंच पर बैठे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय विधायकगण, आदरणीय पूर्व विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ में सेवा दे रहे पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी, आजसू पार्टी के पदाधिकारी और इतने बड़ी तादाद में आए हुए ये जन समूह को मैं अपनी ओर से आभार, धन्यवाद और जोहार अर्पित करता हूं। मेरे साथ एक बार इतने समय इंतजार करने के लिए और अपनी उत्साहवर्धन के लिए एक बार सभी लोग नारा लगाएंगे, भारत माता के, भारत माता के जय झारखंड। असीम ऊर्जा से ओतप्रोत चुनाव में हमारा नेतृत्व करने के लिए आदरणीय मोदी साहब तो आ रहे हैं, लेकिन ऊर्जा का स्रोत कहां है? ये ऊर्जा का स्रोत ये लाखों की तादाद में आए जन समुदाय से प्राप्त होता है और ये स्रोत आशीर्वाद है, यही गारंटी है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के लोगों को गारंटी का अर्थ समझ में नहीं आता, गारंटी का अर्थ समझ में नहीं आता, उसका गलत विश्लेषण पे चले जाते हैं कि आज देश के नेता अगर हमारे यहां पर आ रहे हैं तो गारंटी यह है कि लाखों की तादाद में लोग खड़े होकर आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, यही गारंटी है, यही झारखंड की गारंटी और भारत की गारंटी। मोदी साहब ने इस प्रदेश के सबसे बड़े सेवक का पद स्वीकार किया है, वो सिपाही का पद, चौकीदार का पद वो स्वीकार किया है और कहीं ना कहीं इसको मूर्त रूप देने में अपनी भूमिका निभाई है। 55 साल कांग्रेस और उसके सहयोगी नए अवतार में आए हैं। पहले गठबंधन था जिसको आजकल गठबंधन बोला नहीं जाता है, क्या बोला जाता है? सामने वाले गठबंधन को क्या बोला जाता है? सुनाई नहीं दिया? क्या बोला जाता है? मैं भी जब आप ये बात बोलते हैं तो मैंने उसका विश्लेषण किया कि भाई लोग ये कैसे भावना को रख रहे हैं, तो पता चला कि पिछले 10 साल तक यूपीए के रूप में जो गठबंधन काम करता था लगभग वही चेहरा इसमें है, लेकिन इन्होंने भारत के नाम को अपने नाम में डालने के लिए इंडी गठबंधन के नजदीक, इंडिया के नजदीक जाने का प्रयास किया और यूपीए का नाम बदल के इंडी गठबंधन बना दिया। इसीलिए पूरे भारत के आम लोग क्या बोलते हैं, क्या गठबंधन बोलते हैं? अब वो हमारे प्रतिद्वंदी बनकर खड़े हैं। मैं तो बड़ा स्पष्टवादी हूं और कहता हूं कि हमारे नेता और देश की एक बड़ी आबादी और बड़ा जनमत का नेता तो स्थापित है, भारत ने स्वीकार किया है और आगे भी इसकी तैयारी चल रही है। 2047 तक भारत को विश्व के पटल पर श्रेष्ठ राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने का निश्चय किया हुआ है। इस निश्चय के साथ आप तैयार हैं? तैयार है कि नहीं?
मोदी जी के साथ तैयार है कि नहीं? ये चुनाव किनका चुनाव है? ये वोट किनको चुनेगा? यहां दो प्रत्याशी गिरिडीह से, एक प्रत्याशी कोडरमा से। कोडरमा वाले प्रत्याशी आदरणीय मंत्री जी और उधर हमारे विधायक के रूप में वर्मा जी और आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी, ये दोनों उसके माध्यम है, उनके माध्यम है। लेकिन ये वोट आपका वोट देश के प्रधानमंत्री चयन का वोट है, देश के प्रधानमंत्री चुनने का वोट है। अब ये इतिहास आपको बनाना है, ये तय करना है अगली बार अन्नपूर्णा जी कितना वोट से जीती थी, कितना। मुझे याद है पिछले बार भी मैं आया था लोकसभा के इसी तरह के मंच में, प्रधानमंत्री जी आए थे, उनको आपने आशीर्वाद कितना अंतर का दिया था। इस बार क्या होगा, क्या होगा? आवाज आना चाहिए भाई साहब, गारंटी आपका, गारंटी मोदी जी का, गारंटी आपको छत देना, मोदी जी का गारंटी हर घर में पानी लाना, मोदी जी का गारंटी विश्व के पटल पर भारत को स्थापित करना, ये मोदी साहब का गारंटी है। आपका गारंटी आपका वोट है, और ये वोट रिकॉर्ड मत में परिणत होना चाहिए। अन्नपूर्णा जी रिकॉर्ड मत से यहां से जीतना चाहिए, वही जीत गिरिडीह में आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी और आदरणीय वर्मा जी के पक्ष में आपका वोट रिकॉर्ड होना चाहिए। होगा कि नहीं? आवाज एक साथ, रिकॉर्ड वोट पड़ेगा, और एक बार रिकॉर्ड वोट पड़ेगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार, आप सभी को जोहार, भारत माता की। बहुत बहुत सभी को आभार। सबसे पहले आप सभी को